एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल से। हम सभी लोगों को पता है कि Xiaomi का Mi A1 इंडिया के अंदर जो वो लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइसिंग 15,000 रुपीस की रखी गई और पहला Xiaomi का स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको जो स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप 1,000 रुपये ज्यादा डालते तो आपको मोटोरोला का मोटो G5S+ करके स्मार्टफोन मिलता है, जिसके अंदर भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलती है। आप वहाँ पे आपको प्रीमियम डिजाइन वगैरह मिलती है और वहाँ पे ब्रांड वैल्यू भी कुछ रखती है, यानी कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस कंपेयर टू Xiaomi की काफी अच्छी है। आप देख लेते हैं कि आप लोग क्या लगता है कि आप लोगों को Xiaomi का ये Mi A1 पसंद आ रहा है या फिर आपको मोटोरोला का मोटो G5S+ पसंद आ रहा है। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। पहली खबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया था Xiaomi के Mi A1 के ऊपर, आप लोगों को बता रहा था कि उसके अंदर आपको डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो मेरी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने बताया था कि नहीं मिलता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप ओवरऑल की बात करो तो ये स्मार्टफोन अपने प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है, लेकिन बात यह कि Xiaomi के जो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नया चीजें जो वो देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि कोई प्रीमियम डिजाइन, बेजलेस डिस्प्ले, इन्फिनिटी डिस्प्ले वगैरह देखने को नहीं मिलता जो माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी में मिल रहा है। साथ में आपको वही स्टैंडर्ड सा 5 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, प्लस यहाँ पे वही स्नैपड्रैगन 625 के ऊपर ये फोन जो वो अटका हुआ है। यहाँ पे एटलीस्ट 626 या 630 दे सकता, और इसके अंदर बैटरी भी रिड्यूस की गई है, यानी कि 3080 mAh की आपको बैटरी, जो कि Xiaomi के फोन्स में हमें अक्सर 4000 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल Xiaomi के स्मार्टफोन अगर हम दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं तो प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज मिलती है। तो देख लेते हैं कि Xiaomi का ये वाला स्मार्टफोन कितना चलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ में Xiaomi की तरफ से एक और खबर आ रही है, और आप लोगों को बता देता हूं कि Xiaomi के CEO ने यहाँ पे Xiaomi के Mi Mix के कुछ बॉक्स कंटेंट की पिक्चर्स जो लीक किए, जैसे कि आप इमेजेस देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड में आपको Xiaomi का Mi Mix दिखाई दे रहा है, यानी कि बॉक्स को बाहर निकाल के, और जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर जो Xiaomi का Mi Mix हो सकता है। प्लस यहाँ पे एक और इमेजेस आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक मॉडल की पिक्चर क्लिक की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको स्मार्टफोन नहीं दिख रहा है। बता दे रहे कि Xiaomi के Mi Mix में हमें जो 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो देखने को मिलने वाला है, प्लस एक और लाइव इमेजेस लीक टू के आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे एक फ्रंट पैनल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बता दे रहे कि नीचे की तरफ आपको जो फ्रंट कैमरा जो देखने को मिलेगा, यानी कि Xiaomi का Mi Mix कंपेयर टू उसके प्रेडेसेसर के यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्प्ले आपको मिलेगा और यहाँ पे कर्व्ड एजेस भी जो वो देखने को मिलेगी। तो ये सितंबर 11 को लॉन्च होगा आईफोन के इवेंट के पहले, इसमें प्रोसेसर भी अच्छा होगा और यहाँ पे काफी सारी चीजें बहुत ही अच्छी होगी। जब भी ये लॉन्च होगा आप लोगों को जरूर से इसका वीडियो बना के जो वो बता देंगे। तो एप्पल की तरफ से खबर आई है, और एप्पल ने यहाँ पे अपना बीट्स स्टूडियो 3 वायरलेस हेडफोन यहाँ पे जो वो लॉन्च कर दिया है, और ये जो हेडफोन है आप लोगों को बता रहे हो इसकी जो प्राइसिंग है वो 22,000 रुपए के आसपास जो आपको मिलती है। ये एप्पल के प्रोडक्ट्स है और एप्पल के हेडफोन ही आपको 22,000 रुपए में मिलते हैं। इसके अंदर आपको दो Xiaomi के फोन आ जाते हैं। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलता है, प्लस आपको W1 की चिप मिलती है जो आपके काफी सारे एप्पल से ब्लूटूथ के जरिए जो वो कनेक्ट हो सकता है, यानी कि काफी प्रीमियम ईयरफोन से हेडफोन से इसके अंदर कोई डाउट नहीं। लेकिन 22,000 रुपए एप्पल है और कुछ नहीं कह सकता। साथ में यहाँ पे आईफोन की तरफ से, यानी कि आईफोन 8 की तरफ से खबर आ रही है लकीली, क्योंकि हमें पता है कि आईफोन 8 की ही खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि आईफोन 8 के अंदर में डेडिकेटेड होम बटन देखने को नहीं मिलेगा, और जो पावर बटन होगा उसके जरिए आप यहाँ पे जो सीरी को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली हमें होम बटन को प्रेस करना पड़ता था और सीरी आती थी। साथ में यहाँ पे एक ऐसा वॉइस कमांड डाल रहे हैं जहाँ पे अगर आप हे सीरी कहते हैं, यहाँ तो आईफोन 8 नहीं है, तो वो बोलती थी कि हाउ मे आई हेल्प यू, अगर आप हे सीरी कहते हैं तो यहाँ पे वो आपको डायरेक्टली बोलेगी हाउ मे आई हेल्प यू। जी हाँ, इस तरीके के वॉइस कमांड हो गए। सितंबर 12 को आ रहा है, बस हो गया, कितने रूमर्स आएंगे, जब आएगा आप लोगों को जरूर से बता देंगे। तो लेनोवो की तरफ से खबर आ रही है, और बता दे रहे कि लेनोवो का K8 प्लस ये जो स्मार्टफोन है वो कल इंडिया के अंदर जो वो लॉन्च होने वाला है। अब ये नहीं पता कि ये लेनोवो K8 नोट का सक्सेसर या फिर लेनोवो K8 जो कि अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन होगा इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि हमें जो डुअल रियर कैमरा जो वो देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर भी हमें हीलियो का जो प्रोसेसर मिलेगा, जो कि K8 नोट के अंदर में हीलियो का X23 का प्रोसेसर वो देखने को मिला था। अब देख लेते हैं कि ये स्मार्टफोन क्या होता है, इसकी प्राइसिंग क्या होती है, कौन सा प्रोसेसर होता है, ये तो जब कल लॉन्च होगा आप लोगों को जरूर से बता देंगे। तो इनफोकस इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करने वाला है, जो कि इनफोकस टर्बो 5 का सक्सेसर होगा, इनफोकस टर्बो 5 प्लस। ये जो स्मार्टफोन होगा इसके अंदर भी बताया जा रहा है आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, और शायद से हमें कुछ नई चीजें जो वो देखने को मिल सकती है, हो सकता है कुछ प्रोसेसर वगैरह भी जो वो चेंज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये स्मार्टफोन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा, जब भी लॉन्च होगा आप लोगों को जरूर से जो वो बता देंगे। तो नूबिया ने इंडिया के अंदर अपना M2 प्ले करके एक स्मार्टफोन जो वो लॉन्च कर दिया, और ये जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। इसकी प्राइसिंग के हिसाब से आपको यहां पे स्नैपड्रैगन का 435 का प्रोसेसर मिलता है, आपको फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, 3GB रैम, 32GB की स्टोरेज, आपको 13 का रियर, 5 का सेल्फी और 3000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। तो ये Xiaomi Redmi 4 का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, जो इस प्राइस में जो Xiaomi Redmi 4 मिल रहा है आपको ऐसे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे जो वो देता है। तो देख लेते हैं कि Nubia M2 Play कितना अच्छा परफॉर्म करता है कंपेयर टू Xiaomi Redmi 4 के। तो अगर आपको OnePlus 3T का स्मार्टफोन परचेस करना, हम सभी लोगों को पता है कि 30,000 रुपए के आसपास ये लॉन्च किया गया था, जो कि 64GB वाले वेरिएंट है। अब यहाँ पे आप लोगों को इसके ऊपर 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए, सितंबर 7 तक का ये डिस्काउंट आपको मिल सकता है, यानी कि आपको सिर्फ
26,000 रुपीस में मिलेगा। साथ में इतना ही नहीं बल्कि आपको वन प्लस 5 के ऊपर भी कुछ 2,000 रुपए की कैशबैक भी जो वो मिल रहे हैं, यानी कि वन प्लस के जो इंडिया के अंदर वन प्लस के 1,000 जो वो दिन हो चुके हैं ऑपरेशनल के, तो यहाँ पे वन प्लस ने कुछ इस तरीके के डिस्काउंट दिया। तो अगर आपको वन प्लस 3T वाला स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप कहीं पे भी ऑनलाइन जाके ये वाला स्मार्टफोन अच्छे खासे डिस्काउंट में जो वो परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि लॉकी रैनसमवेयर, अभी एक नया रैनसमवेयर यहाँ पे आया है आफ्टर वॉनक्राई और पेटिया के, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी सारे कंप्यूटर्स को इसने जो अफेक्टेड करके रखा है और वही आपके कंप्यूटर्स को लॉक कर देता है और उसके जरिए आपसे काफी सारे बिटकॉइंस के जरिए जो पैसे मांगता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आपको एक मैलिशियस ईमेल आता है जहाँ पे आप जैसे कि उसको ओपन करते हैं आपका कंप्यूटर यहाँ पे पूरा के पूरा जो वो टेक ओवर हो जाता है। लेकिन जब भी यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है वो बताया जा रहा है कि इंडिया में अभी तक का कोई भी रिलेटेड यहाँ पे जो वो लॉकी रैनसमवेयर के इशू जो वो नहीं आए, यानी कि अभी तक का कोई भी कंप्यूटर लॉकी वेयर रैनसमवेयर से जो वो अफेक्टेड नहीं हुए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे कंप्यूटर इससे इफेक्ट हुए। अब देख लेते कि इसका तोड़ कितना जल्दी आता है, ये तो आने वाला व्यक्ति बताएगा। तो फाइनल टेक न्यूज़ लेते हैं, फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि ZTE ने यहाँ पे अपना A2S करके एक स्मार्टफोन जो वो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया, जो प्रीवियसली उसके A2 और A2 प्लस के सक्सेसर है, जहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि इसकी जो प्राइस रखी गई वो 6,800 रुपीज की रखी गई है, जहाँ पे आपको 5.2 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है। आपको यहाँ पे MediaTek MT6753 का प्रोसेसर, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, 13 का रियर, 5 का सेल्फी और 2,540mAh की बैटरी मिलती है। प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छा है MT6753, मैंने आपसे कहा था कि 6789 के आसपास अगर मिलता तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो स्मार्टफोन अगर इंडिया में आता है इसी प्राइस में 7,000 रुपीस में, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन जो वो बन सकता है। आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।